कहानी, बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। एक बार एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया, पर जब बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह एक संत के पास गया। उसने संत से अपने शब्द वापस लेने का उपाय पूछा। संत ने किसान से कहा, तुम खूब सारे पंख इकट्ठा कर लो और उन्हें शहर के बीचों बीच जाकर रख दो। किसान ने ऐसा ही किया और फिर संत के पास पहुंच गया। तब संत ने कहा, अब जाओ और उन पंखों को इकट्ठा करके वापस ले आओ। किसान वापस गया, पर तब तक सारे पंख हवा से इधर उधर उड़ चुके थे और किसान खाली हाथ संत के पास पहुंचा। तब संत ने उसे कहा कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे द्वारा गए गए शब्दों के साथ होता है। तुम आसानी से इन्हें अपने मुख से निकाल तो सकते हो और चाहकर भी वापस नहीं ले सकते। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कुछ कड़वा बोलने से पहले ये याद रखे कि भला बुरा कहने के बाद भी कुछ भी करके अपने शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। हाँ, आप उसी व्यक्ति से जाकर क्षमा जरूर मांग सकते हैं और मांगनी भी चाहिए। ह्यूमन नेचर कुछ ऐसा होता है कि कुछ भी कर लीजिए इंसान कहीं ना कहीं हर्ट हो ही चाहता है। जब आप किसी को बुरा कहते हैं तो उसे कष्ट पहुंचाने के लिए होता है, पर बाद में वो आप ही को अधिक कष्ट देना है। खुद को कष्ट देने से क्या लाभ? इससे ऐसा तो कि हम चुप रहा जाइए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।